हम लोग स्पीड अप करते हैं क्योंकि ऑलरेडी इट्स 1, विल ट्राई टू फिनिश एट 115 120। आपको खाली एक ओवरव्यू बताने के लिए होता है ये सीजनलिटी, और मैं पर्सनली मेरे जितने भी पोजीशंस मैं बनवाता हूँ उसके अंदर मैं इसको यूज करता हूँ। प्लीज बेयर विद अस, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान देके काम करेंगे तो आपको आप बोलते हैं मेरे को सोने और चांदी में तेजी लग रही है, बट सीजनलिटी आपको क्लैरिटी दे देगी कि सोने में तेजी है या चांदी में तेजी है। आप बोलते हैं बेस मेटल में बहुत अच्छी तेजी आने वाली है, अरे बेस मेटल में तेजी आने वाली बट कौन सा लेऊं मैं, कॉपर लेऊं या निकल लेऊं? तो सीजनलिटी में आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी तेजी कब आने वाली है। अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात, गोल्ड सिल्वर रेशो की बात करें तो पिछले महीने में 2% का फॉल आया था, सिल्वर 2% बढ़ा था। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक 50 डे मूविंग एवरेज का तोड़ नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से हम गोल्ड सिल्वर वीकनेस रेशो में वीकनेस देखते हैं। जब तक ये ब्रीच नहीं कर जाता ये वीक ही रहेगा। देखिए अगर हम गोल्ड सिल्वर रेशियो के चार्ट अगर आप देखेंगे डेली पे, पहला है इचिमिको क्लाउड। इचिमिको क्लाउड के नीचे कंटिन्यू प्राइसेस मूव कर रही है, और आपने देखा दिसंबर से ही ये मोमेंटम नेगेटिव पे जा रहा था, जो पहले ही संकेत दे चुका था अगर मार्केट में तेजी आएगी तो चांदी में बड़ी तेजी आएगी, मंदी आएगी तो गोल्ड में बड़ी मंदी आएगी। और हमने देखा भी कि गोल्ड साइडवेज टू नेगेटिव रहा, जबकि चांदी में चाहे रेडिट की स्टोरी पकड़ लीजिए, देखिए कभी भी रेशियो आपको क्लियर पिक्चर दिखाएगा और जो न्यूज है वो बाद में ड्राइव होगी। तो हमने रेडिट की वजह से यहाँ पे एक बड़ा ड्रॉप आते हुए देखा, जो ऑलमोस्ट हमने करीबन 68 तक का लेवल बनते हुए देखा, हिस्टोरिकल एवरेज करीबन 61 का है। तो अभी भी गुंजाइश है, थोड़ा बहुत भी पुल बैक आ जाए तो चांदी लेके चलिए, मानिए मेरी बात 3 से 4 महीने की अवधि के लिए अगर हम इन्वेस्ट करें तो रेशियो में चांदी बहुत मजबूत दिखा रही है। गोल्ड क्रूड रेशो की अगर हम बात करें तो गोल्ड क्रूड रेशो दोनों वॉलेटाइल होने की वजह से चार्ट अच्छे नहीं आए हैं, पर आप जैसे आरएसआई को देख सकते हैं, आरएसआई एक ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है क्योंकि क्रूड में 8% की तेजी आ चुकी थी। ये क्रूड में अभी भी आगे जाके तेजी जैसे आ सकती है जैसे सीजनलिटी में बताया था, तो ये वीक रहने के चांसेस है, पर ध्यान रख के काम करना, गोल्ड कभी भी एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट दिखा सकता है। बिल्कुल सौरभ, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, देखो इचिमिको क्लाउड के, देखिए ये जो चार्ट क्लियर नहीं जैसे सौरभ बता रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे जो स्पाइक मारा था पिछले साल मार्च, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट यहाँ तक पहुंचा है। तो एज ऑफ नाउ इचिमिको क्लाउड के नीचे, जिसका मतलब है गोल्ड भी क्रूड ऊपर है, लेकिन आरएसआई जो अगर आप देखेंगे ये ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि एक थोड़ा टेक्निकल पुलबैक हम क्रूड में अगर देख ले तो गोल्ड में वैसे भी पुलबैक पॉजिटिव आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये संकेत। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, गोल्ड में अगर तेजी आती है इसका मतलब अनसर्टेनिटी है। गोल्ड में तेजी एक ही कंडीशन पे आती है जब अनसर्टेनिटी है, और गोल्ड में तेजी आ गई तो आप समझ के चलना अनसर्टेनिटी क्या हो सकती है इस बार, कोविड के लिए हो सकती है या जियोपॉलिटिकल टेंशन जो कहीं ना कहीं इक्विटी के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे हम ओवरसोल्ड जोन में है, थोड़ा बहुत भी पुलबैक आया मतलब गोल्ड में तेजी, तो बेस मेटल क्रूड सब में एक बार गिरावट आ जाएगी, अदरवाइज ये कंटिन्यू रहेगा। वहीं हम गोल्ड और कॉपर, तो गोल्ड एक अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है, कॉपर एक इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। तो एज ऑफ नाउ हमने देखा ये रेशियो में ड्रॉप है, रेशियो में ड्रॉप होने का मतलब है गोल्ड में गिरावट, मतलब अनसर्टेनिटी में गिरावट हो रही है, और उसी की वजह से कॉपर में तेजी बनी हुई है। तो टाइमिंग हमें लगता है कि फॉल अभी भी रहेगा, इचिमिको का क्लाउड काफी बड़ा होते जा रहा है जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि गिरावट और बढ़ेगी। आरएसआई अभी भी ओवरसोल्ड में नहीं है, एवरी फैक्टर्स रिमेन बेरिश ओनली, तो मतलब जो रिसेंटली कॉपर में फॉल आया था दैट वाज वेरी गुड टू बाय। तो आई थिंक अभी भी ये रेशियो नेगेटिव दिखा रहा है, जिसका मतलब गोल्ड के मुकाबले, मैं गोल्ड में मंदी नहीं बोल रहा हूँ, अगेन रेशियो का मतलब ये नहीं होता कि गोल्ड में मंदी और कॉपर में तेजी, ये मतलब ये है कि गोल्ड विल अंडर परफॉर्म कॉपर, आप समझ रहे हो? तो गोल्ड में हो सकता है 1% की तेजी आए बट कॉपर में 2% की आएगी, तो आपको करना क्या है, गोल्ड के मुकाबले कॉपर को बाय करके चलना है अगले एक महीने की अगर हम बात करें तो वी आर एक्सपेक्टिंग। और दूसरा हमारा चौपी इंडिकेटर देखो नीचे आ रहा है, मतलब ये दोनों रेशियो में वॉलिटिटी बढ़ने वाली है, मतलब फरवरी महीने में गोल्ड और कॉपर में वॉलिटिटी कंटिन्यू रहेगी। और ऑलरेडी हम देख ही रहे ना, गोल्ड में 500-500 पॉइंट की तेजी मंदी हो रही, कॉपर में भी 20-20 पॉइंट की तेजी मंदी हो रही है, तो ये वॉलिटिटी कंटिन्यू रहेगी। सिमिलरली रिप्लिका ही होती है सिल्वर एंड क्रूड रेशियो, सिल्वर इकोनॉमी सिल्वर बेस बुलियन को रिप्रेजेंट करता है और क्रूड ऑयल इकोनॉमी को, तो यहाँ पे भी देखेंगे एक फॉलबैक दिखा रहा है, जिसका मतलब चांदी के मुकाबले क्रूड में तेजी। आप बोलोगे चांदी में तो मंदी आ जाएगी, नहीं, चांदी में देखो तेजी आई है बट कितनी आई है 2% की, लेकिन क्रूड में 8% की। तो ये रेशियो अभी भी दिखा रहा है कि एज ऑफ नाउ भी सिल्वर इज अंडर परफॉर्म
एज कम्पेयर टू क्रूड, बट आरएसआई कहीं ना कहीं ओवर सोल्ड में जाने के लिए तैयार है, तो कभी भी पुल बैक मिल सकता है। तो क्रूड में कहीं पे भी अगर कोई नेगेटिव न्यूज आई, तुरंत आप गोल्ड और सिल्वर ले लेना, इमिडिएटली आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा। अगर हम सिल्वर कॉपर रेशो की बात करें तो सिल्वर कॉपर रेशो में एक पुल बैक जरूर दिखाया है पिछले पिछले कुछ वीक्स में, पर ये जैसे हम देख सकते हैं कि एक इचिमुको क्लाउड को एक बेस ले रहा है और एक 50 डे मूविंग एवरेज का भी बेस ले रहा है। सो हम देख सकते हैं, और आरएसआई भी 48 के नीचे जाने का नाम नहीं ले रही है, बाकी इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव ही मूवमेंट दिखा रहा है। वॉलेटिलिटी की अगर हम बात करें तो सेकेंड हाफ में वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो सकती है। अगर ये रेशो की बात करें तो सिल्वर एक पॉजिटिव मूव देना चाहिए, सिल्वर में एक तेजी आनी चाहिए कंपेयर टू कॉपर। अच्छा एक चीज और है सौरभ, कभी भी अगर आप चांदी में काम कर रहे हो तो कॉपर पे ध्यान रखना। चांदी में हमने बड़ा जंप देखा तो उसके पीछे पीछे कॉपर में 101% बड़ा जंप आएगा ही आएगा। तो हमने चांदी में बड़ी रैली देखी, इसलिए कॉपर में भी रैली अभी बनना चालू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं सिल्वर कॉपर रेशियो के अंदर आपको अभी थोड़ा बहुत पुल बैक दिखा रहा जरूर है, बट ये इचिमिको क्लाउड के ऊपर आ चुका है, जो कहीं ना कहीं मुख्य कारण रहेगा बड़ी तेजी के लिए चांदी में कॉपर के मुकाबले। तो चांदी ज्यादा चलनी चाहिए कॉपर के मुकाबले। वहीं अगर हम एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो क्रूड और एनजी के अंदर ऑलरेडी हमने ये रेशियो को काफी इचिमिको क्लाउड के ऊपर आ चुका है, नो डाउट नीचे जाने के लिए तैयार है। अगर नीचे ये चले जाता है इसका मतलब है क्रूड में मंदी, एनजी में तेजी, तो या तो पॉसिबल है कि ये यहां तक जाए और फिर बाउंस आ जाए। अगर ये टूट गया क्लाउड के अंदर से टूट गया तो एनजी में तेजी, लेकिन एनजी की हमने सीजनैलिटी देखी थी, सीजनैलिटी क्या बताती है कि एनजी में तेजी नहीं आ सकती है। तो एक सीजनैलिटी से हमको क्या पता चला, एनजी में तेजी नहीं आएगी तो बचा क्या, क्रूड। तो एनजी में तेजी नहीं आएगी तो एनजी में मंदी आनी चाहिए, एनजी में मंदी आना है तो हमें क्रूड में तेजी रहनी चाहिए। तो ये रेशियो हमें सजेस्ट करता है कि थोड़ा बहुत पुल बैक दिखा दे बट वापस ये ऊपर ही आएगा, मतलब क्रूड विल विन या आउट परफॉर्म अगेंस्ट नेचुरल गैस। तो आपको क्रूड में बना रहना है एज कम्पेयर टू नेचुरल गैस। अगर हम क्रूड ऑयल और कॉपर की बात करें तो क्रूड ऑयल और कॉपर में हमने देखा जैसे कि क्रूड में 11% की तेजी आई थी, इसलिए रेशो पॉजिटिव में ही था। पर और जैसे हम देख सकते हैं आरएसआई भी पॉजिटिव है, पर कहीं कहीं ओवरबॉट में जाने के चांसेस लग रहे हैं। और वॉलेटिलिटी भी जैसा आप देख सकते हैं चौपी इंडिकेटर से कि वॉलेटिलिटी भी कम हो रही है, जो हमें सेकेंड हाफ में वापस आएगी। और जब तक ये प्राइसेस इचिमोकु क्लाउड के ऊपर है तब तक क्रूड ऑयल में तेजी ही बनी रहेगी एज कम्पेयर टू कॉपर। सो अगर हम क्रूड कॉपर की बात करें तो क्रूड में ज्यादा तेजी आप एक्सपेक्ट करके चलिए। कॉपर जिंक रेशो की अगर हम बात करें तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इचिमोकु क्लाउड काफी ज्यादा बड़ा है और एक्सपांड हो रहा है, और आरएसआई भी नेगेटिव जोन में जा नहीं रही है, और एक शॉर्ट टर्म करेक्शन जरूर आ सकता है जिंक में, जिंक और कॉपर जिंक रेशो में, जिससे जिंक थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, पर कॉपर में थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद पॉजिटिव मूव देखना चाहिए। ये 50 डे मूविंग एवरेज के लाइन से वापस एक पॉजिटिव मूव देना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि ये ड्रॉप मिले जिसकी वजह से कॉपर के मुकाबले जिंक में रैली मिले। तो जिंक में ऑलरेडी हमने देखा 210 के ऊपर निकलते हुए देखा है, तो मे भी 218-220 वापस दिख जाए, बट अभी भी लॉन्ग टर्म सिनेरियो जो दिखा रहा है वो कॉपर जिंक के मुकाबले स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। अगर हम कॉपर निकल रेशो की बात करें तो ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न से बना हुआ है, ये एक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। आरएसआई की अगर हम बात करें तो आरएसआई पॉजिटिव जोन में जा नहीं रही है, नेगेटिव ही जा रहा है, और वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है फर्स्ट हाफ में ही, और बाकी रेशोज भी हमें एक साइड वे टू नेगेटिव मूवमेंट ही बता रहा है। सो एक 44 के लेवल तक एक नेगेटिव होना चाहिए जिससे निकल थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। जब तक जब ये इचिमोकु क्लाउड वाला लेवल तोड़ देगा तब तक एक रेशो में पॉजिटिव मूव एक्सपेक्टेड है। इन शॉर्ट अगर हम चार्ट में देखेंगे, देखो सौरभ, तो अगस्त 2020 से हमने क्या देखा कि लोअर हाई बना रहा है। पहले हमने देखा था कि रेशो 52 के आसपास का हाई मारा, फिर 50 का, फिर 49, फिर 48। तो अनलेस एंड अंटिल ये इचिमोकु क्लाउड के ऊपर नहीं निकलता है तो आई थिंक ये ड्रॉप वापस दिखा सकता है। अगर ड्रॉप आता है मतलब कॉपर के मुकाबले निकल में एक बड़ा जंप आ सकता है, और तो निकल में ध्यान रख लीजिए 1330 का लेवल अगर ब्रीच हो गया तो आई थिंक प्राइसेस 1450, क्योंकि फंडामेंटल भी हमने देखा निकल के लिए काफी स्ट्रांग है। तो आई थिंक इससे हमको ये पता चलता है कि
कॉपर के मुकाबले निकल में अगर आप बने रहेंगे तो निकल में बड़ा तेजी देखने मिल जाएगा। अगर हम कॉपर लीड रेशो की बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं कि रेशो एक नेगेटिव जोन में जा चुका है, इचिमुकु क्लाउड के भी नीचे आ चुका है और ये 50 डे मूविंग एवरेज लाइन के भी नीचे आ चुका है। आरएसआई भी नेगेटिव जोन में दिखा रही है और जैसे हम चौपी इंडिकेटर की बात करते हैं, चौपी इंडिकेटर भी फर्स्ट हाफ में वोलेटाइल दिखा रहा है मार्केट। सो अगर हम कॉपर लीड रेशो की बात करें तो लीड में कॉपर से ज्यादा तेजी रहनी चाहिए। जैसे हमने देख सकते हैं कि जनवरी में भी 3% का लीड में गेन हुआ था जबकि कॉपर खाली 0.2% ही गेन हुआ तो था। इन अदरवर्स हम ये भी बोल सकते हैं, अगर मैं कॉपर में 10 रुपए की तेजी देख रहा हूँ तो लेड में 12 रुपए की तेजी आएगी। और मैंने कहा भी था आपको सीनियरिटी के अंदर कि लेड में एकाएक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। तो यहाँ पे सीनियरिटी के साथ साथ हमने देखा कि रेशियो में भी दिखा रहा है कि इचिमिको क्लाउड के नीचे आ चुका है और यहाँ पे फॉल दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं कॉपर के मुकाबले लेड पे आप ध्यान रखिए। अब तक हम बात कर रहे थे कि आप कॉपर को बाय कीजिए चाहे जिंक के मुकाबले चाहे निकल के मुकाबले, लेकिन अब हम बात क्या करने लग गए कि कॉपर से भी ज्यादा तेज लेड है। मतलब पूरे बेस मेटल की बात करें तो सबसे टॉपिक पहले कॉपर थी, अब लेड हो गई है। तो लेड में आप बिल्कुल लेके चलिए, कॉपर के मुकाबले आपको लेड में अच्छा रिटर्न मिलेगा। कहीं भी अपॉर्चुनिटी बनती है लेड को लेके चलिए। अगर हम कॉपर एल्युमिनियम रेशो की बात करें तो ये एक 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, इचिमोकू क्लाउड के नीचे जाने की बात नहीं कर रहा है, आरएसआई भी पॉजिटिव जोन में आ रही है। सो अगर हम कॉपर एल्युमिनियम रेशो की बात करें तो एल्युमिनियम में एक तेजी बनी रहनी चाहिए एज कम्पेयर टू कॉपर। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइंस बने हुए हैं, उस वो ट्रेंड लाइन जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक रेशो पॉजिटिव नहीं हो सकता। जब ये ट्रेंड लाइन तोड़ दे एक बड़ी तेजी हम एल्यूमिनियम में कॉपर में देख सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब कॉपर में गिरावट और एल्यूमिनियम में तेजी। तो अभी तक आप पिछले 2 महीने में देखे थे सीजनलिटी के हिसाब से तो लेड और एल्यूमिनियम चले भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि लेड एल्यूमिनियम में एक अच्छी तेजी बन सकती है। अगर हम गोल्ड निफ्टी रेशो की बात करें तो जैसे निफ्टी ने काफी शानदार रिटर्न्स दिखाए हुए हैं, निफ्टी एक नए हाईएस्ट पे पहुंच रही है, इसकी वजह से हम ये रेशो में देख सकते हैं कंटिन्यूअस फॉल आ रहा है। और आप जैसे देख सकते हैं कि 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन भी ये तोड़ नहीं रहा है, पर आरएसआई एक ओवरसोल्ड जोन में जा चुकी है, वॉलेटिलिटी कम होने की एक्सपेक्टेशन है। सो इक्विटी में देख के ही काम करना क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है इक्विटी। डेफिनेटली अगर हम अगर सितंबर से बात करेंगे तो इचिमिको ने ऑलरेडी बता दिया था, बीच में कोशिश की थी कि गोल्ड में एक अच्छा उछाल आया था, बट इचिमिको क्लाउड अभी भी नेगेटिव 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 में ही दिखा रहा हूँ। यहाँ पे तो बहुत अच्छा डिटोरेशन हुआ है। तो आई थिंक अगर फिबोनाची के हिसाब से भी देखे तो 23.6% का रिट्रेसमेंट लेवल टच कर चुका है और यहाँ पे आरएसआई भी ओवरसोल्ड में पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अगले हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर एक बार तो एटलीस्ट रिट्रेसमेंट आएगा। और रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगा, 38.2 तक का, जो 50 डे मूविंग एवरेज तक पहुंच सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर इचिमिको क्लाउड के अंदर जाने की कोशिश करेगा इसका मतलब गोल्ड में रिकवरी और निफ्टी में गिरावट आ सकती है। और आप भी जानते हैं कि निफ्टी में जिस ढंग से रैली आई हुई है तो ये करेक्शन तो ड्यू वैसे भी बनता है। तो गोल्ड इंप्रूव हो सकता है और कल के सेशन में देखिए ना गोल्ड में कितनी शानदार रिकवरी आई। लोअर लेवल से 1000 रुपए तक की तेजी हमने पिछले एक दिन में, 1000 तो नहीं बोलेंगे तो 700-800 पॉइंट की तेजी देख चुके हैं। तो कहीं ना कहीं गोल्ड में तेजी और निफ्टी में एक पुलबैक दिखा सकता है। अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो पिछले कुछ वीक से हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स ऑफ निफ्टी। जैसे हमने देखा कि एक 50 डे मूविंग एवरेज लाइन भी क्रॉस कर चुका है नीचे की तरफ और इचिमोकू क्लाउड के भी नीचे है। आरएसआई भी आप देख सकते हैं अभी तक नेगेटिव जोन में ही है, वॉलिटिलिटी जैसे मैंने बात जैसे आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी कम हो सकती है पर सेकेंड हाफ में वॉलिटिलिटी दोबारा आ सकती है। सो निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक स्टॉक्स पे ध्यान रखना चाहिए, बैंक स्टॉक्स में अभी भी तेजी आ सकती है। बिल्कुल, अगर हम देखें अक्टूबर ऑनवर्ड से हमने ये देखा कि ये रेशियो हमको दिखा रहा था कि वीकनेस, और खास करके यहाँ पे हमारा अक्टूबर में एंट्री क्या दिखा रहा है कि बैंक में बड़ी तेजी आ सकती है। अब रेशियो से आपको ये पता चल जाएगा वेदर आई शुड बाय निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी, यहाँ पे आप इसको एरो डाल, तो निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी के अंदर रेशियो अभी भी डिटोरेशन काउंट पे है, ओवरसोल्ड में है, थोड़ा बहुत बाउंस भी आ जाए लेकिन अभी भी एक फ्री फॉल जैसा सिचुएशन बना रखा है। आप देख सकते हैं 2020 में
जनवरी फरवरी में ये रेशियो करीबन 38 के करीब था, तो जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि अगर ये टूटा तो वापस 38 तक जा सकता है। मतलब बैंक निफ्टी में अभी भी तेजी है, बैंक स्टॉक्स के अंदर SBI 500 तक के टारगेट आने लग गए हैं, तो बैंक स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखिए। और सिमिलर काइंड हम लोग सेक्टर सेक्टर और स्टॉक का भी हम लोग ऐसा एनालिसिस करते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड आप चैट विंडो पे आपके डिटेल्स डाल सकते हैं, और हमारे नंबर्स भी हमने ऑलरेडी शेयर किए हुए भी है। आपको टाइम टू टाइम जो भी अपडेट चाहिए, कौन सा सेक्टर चलने वाला है, कौन से स्टॉक्स उसमें चलने वाले हैं, ये भी हम टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। मैंने एक लिंक भी शेयर की है, इनकेस इफ यू आर इंटरेस्टेड आप उस लिंक पे रजिस्टर कर सकते हैं। अगर हम निफ्टी बुलडेक्स की बात करें तो जैसे मैंने गोल्ड रेशो में बताया था कि निफ्टी में अच्छी तेजी आ चुकी है और गोल्ड एक साइडवे टू वीक मोमेंटम में दिखा रहा है। इसके वजह से रेशो में एक पॉजिटिव मूव दिखता है आपको, पर ये जैसे हम देख सकते हैं RSI भी एक ओवरबॉट की तरफ जाने की कोशिश कर देखिए रही है। मैंने जो ये चार्ट लिया उसका पर्पस क्या है, निफ्टी एक कैश इंडेक्स है और एमसीएक्स बुलडेक्स भी कैश इंडेक्स है, एक तरह का कैश इंडेक्स ही है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो निफ्टी और एमसीएक्स बुलडेक्स इसमें आप पोर्टफोलियो बना के वर्क कर सकती है। जैसे आप निफ्टी एक लेके काम करें उसके अगेंस्ट एमसीएक्स बुलडेक्स, अभी ये रेशियो क्या दिखा रहा है तेजी, तो आप एक निफ्टी ले लीजिए उसके अगेंस्ट एमसीएक्स बुलडेक्स बेच दीजिए, एमसीएक्स बुलडेक्स के अंदर आपका गोल्ड और सिल्वर का कॉम्पोजिशन हो जाता है एक साथ। तो जो लोग दो असेट क्लास में काम करना चाहते हैं उनके लिए भी ये पोजीशंस देखकर आप काम कर सकते हैं। सिमिलरली एमसीएक्स बोल्डेक्स और एमसीएक्स मेटल इंडेक्स, ये हमको क्या बताता है कि हमको सोने चांदी में इन्वेस्ट करके चलना चाहिए एट दिस टाइम या मेटल में करना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइजेस क्लाउड के ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है, इनफैक्ट सितंबर ऑनवर्ड्स ये मंदी दिखा रहा है, मतलब बुलियन में गिरावट। और अगर आप ये इंडेक्स को ही देख लोगे तो आप ये पता कर सकते हो कि भाई मुझे बेस मेटल लेके काम करूं मैं या बुलियन लेके काम करूं। तो यहाँ पे आप देख लिया कि बेस मेटल में तेजी आने वाली, तो आप अपना फंड सोने चांदी में से निकाल कर, ठीक है बीच बीच में जंप आता रहेगा वो अलग कहानी है, बट ओवरऑल आप देखेंगे बेस मेटल में तेजी थी, अब ये यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये यहाँ से वापस बाउंस करेगा। इसका मतलब सोने चांदी में तेजी और मेटल इंडेक्स में मंदी नहीं, अंडर परफॉर्मेंस। ध्यान रखिए रेशियो मंदी और तेजी नहीं बताता, रेशियो क्या बताता है आपको, रेशियो आपको बताता है परफॉर्मेंस किसकी अच्छी रहेगी किसकी अच्छी नहीं रहेगी। तो एज ऑफ नाउ तो फ्री फॉल है, जो बुलियन के मुकाबले बेस मेटल इंडेक्स अभी भी स्ट्रांग दिखा रहा है। अगर हम सोयाबीन मस्टर्ड की बात करें तो सोयाबीन मस्टर्ड रेशो जैसे आप देख सकते हैं कि एक RSI भी नेगेटिव की ओर जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि रेशो में 2020 से ही एक नेगेटिव मोमेंटम बना हुआ है, जिसे हम बता कर सकते हैं कि मस्टर्ड पॉजिटिव रहेगा एज कम्पेयर टू सोयाबीन। तो एज ऑफ नाउ ये रेशियो में थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं कि पुल बैक दिखा रहा है, जो कहीं ना कहीं संकेत है कि सोयाबीन में पुल बैक और मस्टर्ड में, बट क्लैरिटी इतनी ज्यादा नहीं है। बट वहीं अगर हम सोयाबीन और सोया ऑयल की बात करें तो हमने ये रेशियो के अंदर बड़ा फॉल आते हुए देखा, अब ये रिकवरी मोड पे है। रिकवरी मोड पे मतलब सोयाबीन में थोड़ी तेजी, सोया ऑयल में हमने ऑलरेडी देखा है कि हायर साइड पे थोड़ा कंसर्न बन रहे हैं, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि अब प्राइसेस में अगर जंप आते हैं तो सोया ऑयल में गिरावट और सोयाबीन में तेजी बननी चाहिए। वहीं सोया ऑयल और CPO की बात करें तो हमने 2019 सितंबर से एक बड़ा फॉल देखा, फिर रिकवरी देखी, अब प्राइसेस में डाउनसाइड ही दिखा रहा है। तो सोया ऑयल के मुकाबले CPO में अभी तक हमने तेजी देखी है, बट कहीं ना कहीं 1.2 का जो सपोर्ट लेवल है ये इंपॉर्टेंट है, एक बार यहाँ पे टच हो जाता है तो आप समझ के चलिए CPO में एक बड़ी गिरावट मिल सकती है। तो फरवरी महीना CPO के लिए तेज रहेगा ऑयल के मुकाबले, बट आगे के महीनों में हम देख रहे हैं कि यहाँ से कभी भी पुल बैक दे सकता है, और पुल बैक आया तो आप समझ के चलिए कि इसका एवरेज भी आप निकालोगे, मतलब 1.48 से लेकर 1.12 का, तो कहीं ना कहीं 1.3 तक जाके रुकेगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा था। कब देखा था, जनवरी से मई के बीच में। तो ये सीजनैलिटी भी जनवरी से फरवरी से मार्च मई तक की अगर देखे तो कभी भी एक बड़ा जंप आ सकता है जिसमें ऑयल में तेजी और CPO में गिरावट बन जाएगी। अगर हम गवार रेशो की बात करें, गवार गम और गवार सीड की, तो एक ये बेस पे पहुंच चुका था अप्रैल से जून में, जैसे आप देख सकते हैं कि 1.5 के करीब, सॉरी 1.45 के करीब इसने एक बेस बनाया था, जिससे ये एक पॉजिटिव ट्रैक की ओर अभी जाता हुआ दिख रहा है।
1.6 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ये क्रॉस कर जाता है तो गवार गम एक आउट परफॉर्म करने की एक्सपेक्टेशन है एज कम्पेयर टू गवार सीड। देखिए गवार गम, गवार सीड में काफी बड़ा फॉल आ गया और कंसोलिडेशन हो चुका है यहाँ पे। अगर गवार गम में तेजी है मतलब इंडस्ट्रियल डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव होना चालू हो गई है और एक बार प्राइसेस 1.6 के ऊपर निकल गया और गवार गम में तेजी पकड़ी तो गवार सीड पिक गई। उसमें मेजर कारण हो सकता है सोइंग का, क्योंकि 5 साल से भाव मिले नहीं है तो इस बार सोइंग में अगर ड्रॉप आता है तो कहीं ना कहीं ये अच्छा जंप अप दे सकता है, तो ध्यान रखिए इस रेशियो में। अगर हम कॉटन कपास रेशो की बात करें तो कॉटन कपास रेशो जैसे हम देख सकते हैं कि नवंबर से काफी कंसोलिडेट कर चुका है, एक 19 के आसपास का लेवल से लेके हमें 16 का लेवल भी आते हुए देखा है और यहाँ पे 16-16.5 के लेवल का बेस बनकर ये एक पॉजिटिव मूव दिखा रहा है और एक 17.75 का लेवल अगर तोड़ देते तो एक 19 तक का लेवल हमें बिल्कुल। जिस ढंग से हम देखते हैं टेक्सटाइल की जो डिमांड आती है उसमें क्या कॉटन की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है और नो डाउट हमने जिस ढंग से गवर्नमेंट ने एक सपोर्ट भी दिया इंपोर्ट ड्यूटी में जो बढ़ोतरी दी है वो कहीं ना कहीं थ्रेट नहीं रहेगा कॉटन के लिए, तो आई थिंक कॉटन विल बी आउट परफॉर्मिंग कपास। वहीं अगर हम कॉटन कॉटन से ऑयल केक की बात करें तो ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि डाउनवर्ड डाउनवर्ड मतलब कॉटन के मुकाबले कॉटन सीड ऑयल केक में ज्यादा तेजी रहेगी और ऑलरेडी हमने देखा कल अपर सर्किट लगते हुए देखा कॉटन सीड ऑयल केक में, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि कॉटन सीड ऑयल केक में और तेजी कंटिन्यू रह सकती है। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक और कपास की बात करें इधर भी हमें स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, चार्ट यही दिखाई दे रहा है कि कॉटन सीड ऑयल केक में तेजी ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू कपास, तो पूरे ही कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर हम तेजी देख पाएंगे। अगर हम मैं समराइज करूं अब तक जो रेशो में देखा उसको, सो गोल्ड सिल्वर रेशो में गोल्ड थोड़ा वीक रहने का आउट परफॉर्म अंडर परफॉर्म करने का चांस है एज कम्पेयर टू सिल्वर, और सिमिलरली हम देख सकते हैं क्रूड में भी क्रूड आउट परफॉर्म करेगा। सो गोल्ड थोड़ा सा साइड वे तो वीक ही लग रहा है पर उसके कंपैरिजन में कॉपर क्रूड और सिल्वर दोनों तेज लग रहे हैं। और अगर मैं सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर भी क्रूड के अगेंस्ट थोड़ा सा फ्लैटिश और वीक लग रहा है पर कॉपर के अगेंस्ट सिल्वर थोड़ा अप लग रहा है, तो कॉपर में एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन दे सकता है एक पॉजिटिव मूव के पहले। अगर मैं क्रूड नेचुरल गैस रेशो की बात करूँ तो क्रूड थोड़ा सा वीक लग रहा है रेशो में, लेकिन हमने नेचुरल गैस की जो सीधाई देखी तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा वीक दिखा रही, तो आई थिंक क्रूड में वीकनेस मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है बट वो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन नेचुरल गैस की सिग्नैलिटी ज्यादा खराब है तो दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो थोड़ा बहुत पुल बैक मिल जाए बट क्रूड में कहीं ना कहीं बड़ी जंप देखने मिल सकती है। वहीं पूरे बेस मेटल की बात करें तो कॉपर के मुकाबले हमने देखा पूरे बेस मेटल के अंदर लेड और एल्यूमिनियम ये दोनों काउंटर काफी अच्छे निकलेंगे, जबकि जिंक अभी रिकवर कर रहा है बट कॉपर में थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं कि ज्यादा बड़ी तेजी नहीं है। अगर कॉपर में ज्यादा बड़ी तेजी मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से बता रहा हूँ, कॉपर अगर 10 रुपया बढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं लेड एल्यूमिनियम निकल जिंक ये ज्यादा बढ़ेंगे, तो थोड़ा ध्यान रख के इसमें ट्रेड कीजिए। वही निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर एज ऑफ नाउ निफ्टी लुक फर्म अगेंस्ट गोल्ड जो अभी तक का चार्ट दिखा रहा है, बट यहाँ से कभी भी बड़ा पुल बैक हम फरवरी मंथ में देख पाएंगे और निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है। मतलब अगर आपको शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है तो आप बैंक स्टॉक्स पे निफ्टी बैंक में ध्यान रखिए रादर देन निफ्टी में जाना, तो इस ढंग से हम लोग ये एनालिसिस सेक्टर वाइज कर सकते हैं। दिस रेशियो इज बेस्ड ऑन हमने एनुअली लिया हुआ है कि एक साल के ओवरव्यू के हिसाब से हम लेके चल रहे हैं। सिमिलरली निफ्टी और एमसीएक्स बुलटेक्स के अंदर देखें तो एज ऑफ नाउ तो निफ्टी स्ट्रांग दिख रही है बट हाई प्रोबेबिलिटी है कि पर एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक बुलटेक्स में पुल बैक आ जाए क्योंकि निफ्टी एक ओवरबॉट जोन में जा चुकी है, तो ध्यान देखिए इक्विटी में काम करना चाहिए। सिमिलरली बुलटेक्स और मेटल इंडेक्स की बात करें तो मेटल इंडेक्स में अब तेजी बनी थी बीच में हमने काफी अच्छी देखी, अब वो कंसोलिडेशन होकर हम वापस एक पुल बैक देख पाएंगे और एग्री के अंदर ऑलरेडी हमने बताया कि सोयाबीन थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है जबकि मस्टर्ड अभी भी स्ट्रांग है। ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर सोया ऑयल हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत वीकनेस दिखा सकता है एज ऑन जो दिखा रखा है सीपीओ बट वो चेंज ओवर हो जाएगा, तो ये जो डेटा दिखा है वो अब तक के हिसाब से बताया, आप समझ के चलिए मार्च में सिनेरियो धीरे धीरे चेंज होता हुआ दिखेगा। कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हमने देखा कि कॉटन सीड ऑयल केक में एक अच्छी खासी तेजी आने वाले टाइम में बन सकती है। विद दिस मैं मेरा ये सेशन एंड करता हूँ, इनकेस अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है
तो आप चैट विंडो पे भी सवाल पूछ सकते हैं और साथ में कोई भी क्वेरी है तो अपने आप को अनम्यूट करके भी सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो पहला सवाल बीच में सेशन के बीच में हमारे पास चार पांच सवाल आ गए तो मैं उनको लेता हूँ, इनकेस अगर आपकी कुछ सवाल है तो हम लेते रहेंगे। पहला सवाल था जस्ट अ मिनट, इफ स्टिमुलस कम्स देन डॉलर इंडेक्स विल राइज और फॉल। देखिए स्टिमुलस इकोनॉमी में आता है, इकोनॉमी में एक्टिविटी बढ़ती है तो कोई भी कंट्री की करेंसी में एक बाउंस आता है। उसी के बेस पे हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स 89 टच करने के बाद 91.50 तक आ चुका है। तो आई विल से स्टिमुलस आने की वजह से शॉर्ट टर्म में डॉलर में तेजी रहेगी बट लॉन्ग टर्म अभी भी मंदा दिखा रहा है। डॉलर इंडेक्स मेड अप ऑफ सिक्स करेंसी पेयर एंड मेनली सब वो कॉम्पोजिट में अभी मैं नहीं जाना चाहूंगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जिंक एंड कॉपर? सर एज ऑफ नाउ जिंक और एंड कॉपर में आप देखेंगे तो ऐसा डिमांड का रिलेशन नहीं है, बट हाँ इकोनॉमिकल कंडीशंस कैसा है कि इकोनॉमी रिवाइव कर रही है तो डिमांड बढ़ जाती है। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ स्टिमुलस ऑन मेटल एंड बुलियन? देखिए बुलियन इन्फ्लेशन हेज होता है, जब भी स्टिमुलस दिया जाता है तो वहां पे हम देखते हैं स्टिमुलस आने के बाद